माँ शारदे को नमन करता हूँ और उत्तरकाशी की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूँ। बापू आपके श्री चरणों में चरण स्पर्श, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मात्र 28 दिनों के बाद मुझे दूसरी बार बापू के सामने इस मानस पीठ के सामने पढ़ने का मौका मिल रहा है, सुनाने का मौका मिल रहा है। जब मैं झारखंड से चल के आ रहा था, मैंने कभी हिमालय से मेरा साक्षात्कार हुआ नहीं था। मैं सपाट सीधे रास्तों पर चलने वाला पहली बार चक्कर खाने खा रहा था। तो जब मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन जब उत्तरकाशी की भूमि पर आया और जब स्मरण हो आया कि मैं यहाँ फिर मानस पीठ के सामने पढ़ने जा रहा हूँ, तो मुझे लगा मैं जा नहीं रहा हूँ बल्कि मैं कहीं पहुँच रहा हूँ। पहुँचना महत्वपूर्ण है, जाना नहीं। बापू आपने एक पिछले दिनों महुआ में जब श्री तुलसी जयंती का अवसर था तो आपने अपने संबोधन में एक बात कही थी कि ये गुरुकुल नहीं है, ये कथाकुल है। तो मैं तो कहता हूं कि हम कवि या हम हिंदी के लिखने वाले लेखक कहते हैं कि ये कथाकुल तो है, लेकिन ये कवि कुल और साहित्य कुल भी है। और ये इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी रुचि कविता में होगी, आपकी रुचि लेखन में होगी, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है कि अमीर खुसरो दुनिया के इतने प्रतिभाशाली शायर, लेकिन उनकी सारी प्रतिभाएं क्या हुई? 7 सुल्तानों की दरबारी में खत्म हो गई। दरबार में जाकर हम अमीर खुसरो जैसे महान प्रतिभाशाली शायर को चंद शेरों के लिए जानते हैं, लेकिन उसी मध्यकाल में 200-300 साल बाद गोस्वामी तुलसीदास होते हैं और वो सुल्तान और दरबार की दरबारी को त्याग कर कुटिया धर लेते हैं, तो रामचरितमानस जैसा विश्व का अद्वितीय साहित्य सृजित हो जाता है। तो इसलिए एक संत की कुटिया में अगर कविता पल्लवित होगी, संवर्धित होगी, संरक्षित होगी, तो उस पर तुलसी का आशीर्वाद फबता है, फूलता है। इसलिए बापू आप साधुवाद के पात्र हैं। हिंदी साहित्य की ओर से आपको नमन करता हूं और बधाई देता हूं कि कम से कम एक ऐसा संत है जिसकी कुटिया में गोस्वामी तुलसीदास की परंपरा अभी भी पल रही है। मैं झारखंड से आया हूं, वहां से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हुगली में गंगा समुद्र में समाहित हो जाती है। यहां गंगोत्री है, यहां से गंगा निकलती है। वहां तक जाते जाते गंगा का रंग कैसा हो जाता है आप लोग जानते होंगे, जो वहां ना भी गए हो तो जिन्होंने भी थोड़ा बहुत साइंस टेक, थोड़ा समाचार, भूगोल ये सब पढ़ा हो तो आप जानते हैं कि यहां से निकलने के बाद गंगा वहां तक जाते जाते क्या हो जाती है। और जब यहां के गंगा का रंग देखा तो मैं कितने पश्चाताप से भर गया हूं कि हम अपने तट पर गंगा का क्या हाल करके रखे हैं। आप देश के कोने कोने से यहां लोग आए हैं, गंगोत्री केवल आपके लिए दर्शन का स्थान नहीं है, ये सोचने का भी स्थान है कि जब आप अपने अपने घरों पर जाएंगे तो आपके तटों पर गंगा का क्या हाल है, ये भी सोचने का ये समय है। और इसलिए मैं पहला गीत इसी गंगोत्री को समर्पित करता हूं, हालांकि मैं सोच के नहीं आया था, लेकिन ये वातावरण देख के, ये माहौल देख के और ये तट देख कर एक गीत बापू आशीर्वाद। एक व्यक्ति कहता है कि देखो माँ गंगा, यहां तो खैर कोई नमामि गंगे प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन यहां से जब गंगा निकलती है तो माँ नहीं वो प्रोजेक्ट में तब्दील हो जाती है, साफ करो बचाओ। तो एक कवि कहता है कि ये अब हमारी स्वार्थ लोलुपता से यह संभव ही नहीं है कि तुम बचो, हम तुम्हारे दर्द को समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए एक कवि कहता है माँ से कि नदिया धीरे रे बाहो अपनी बातें खुद कहो, कि नदिया धीरे रे बाहो अपनी बातें खुद कहो, तुम सुना रे अपनी कहानी, रे किसने खारा किया मीठा मीठा पानी, कि किसने खारा किया मीठा मीठा पानी।
कि सिंध हो या नील हो या गंगा का किनारा, तूने ही तो दिया सभ्यताओं को सहारा। कि नील हो या सिंध हो या गंगा का किनारा, तूने ही तो दिया सभ्यताओं को सहारा। कि तेरे पालने में पली जिंदगानी, किसने खारा किया मीठा मीठा पानी। कि किसने खारा किया मीठा मीठा पानी। कि तूने अपनी लहरों पर प्राण कितने ढोए, आके तेरे तट पे दुनिया पाप अपने धोए। तूने अपनी लहरों पर अरे प्राण कितने ढोए, आके तेरे तट पे दुनिया पाप अपने ढो धोए। कि आज खतरे में तेरी ही निशानी, किसने खारा किया मीठा मीठा पानी। रे किसने खारा किया मीठा मीठा पानी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ठेठ गांव से हूँ, संथाल पगना के गांव से हूँ। मैं अक्सर मानता हूँ कि हम लोग सब की जड़ें गांव में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान सीमेंट से बन ही नहीं सकता है भाई, वो मिट्टी से ही बनेगा। सीमेंट की फैक्ट्री पहली बार 18वीं सदी में आई है बाद में। तो हम सभी गांव से हैं, हमने भले शहरों में जाकर अपनी मुट्ठियों में सीमेंट जमा लिया और उस पर महल खड़ा करने लगे, अट्टालिकाएं खड़ा करने लगे, लेकिन उसके नीचे जड़ों में अभी भी कहीं ना कहीं गीली मिट्टी है, इसलिए अभी आप सूख नहीं रहे हैं। इसलिए आप ऐसे पंडालों को भर देते हैं इसी कारण कि अभी भी कहीं ना कहीं आप में वो जो आज के युवा हैं जो 80, 90, 120, 140 के स्पीड से बाइक घुमाते हैं, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनके अंदर कलकल कलकल कहीं ना पानी बहता है गंगा का, इसीलिए ये सब बचा हुआ है अभी तक। तो एक हम जैसे लोग जो निर्वासित हो गए गांव से, जो सिद्धि की जमीन छोड़कर प्रसिद्धि की ओर जाने लगे, शहरों में बड़ी संभावनाएं ढूंढने लगे, ऐसे लोग जब वहां पहुंचे तो न गांव के रहे न शहर के हुए। और मैं अक्सर कहता हूं कि गांव का होना और गांव में होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये अलग अलग बातें हैं। तो वहां से एक कवि, जब मेरे जैसा अभी तो आप में से बहुत बुजुर्ग हैं, मेरे जैसे कई युवा भी यहाँ बैठे हुए हैं, जब 10 साल 15 साल के संघर्ष के बाद कभी एक कभी गांव जाता है, वहां से कुछ दृश्य निकल के कैसे आते हैं कि मेरे गांव का बरगद मुझको सुना रहा था हाल। जब मैं पहुंचा कि मेरे गांव का बरगद मुझसे सुना रहा था हाल, कितनी सखियां अरे झूल के झूला चली गई ससुराल, हाय चली गई ससुराल, कि किसे दिल का हाल बताएं, किससे लिपट कर रोए हम, किसके कांधे लोरी लिखी है, धर के माथा सोए हम, धर के माथा सोए हम। अभी देखिए कि किस तरह से पर्यावरण और वातावरण बदला है। कुछ दिन पहले एक निपाह वायरस आया था पंछियों के खोट देने से, जो कह रहे थे कि लोग भाई, तो मेरी
माँ ने आम के सीजन में फोन किया तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि अभी फल फूल मत खाना वृक्ष में लगे हुए जहां पर जिसको पंछियों ने जूठा कर दिया है, वहां से देखिए तो मेरी माँ ने कहा कि अब है कहाँ पंछी, अब तो दिखते ही नहीं है। तो वहां से एक पंक्ति निकल के आती है कि कैसे मुहावरे बदल गए हमारी स्वार्थ लोलुपता में, कि छींट के दाना सो जाते हैं अब चिड़िया चुगे न खेत, कि छींट के दाना सो जाते हैं अब चिड़िया चुगे न खेत, अरे मेरी गोरैया मर गई शायद फाक के सूखी रेत, हाय फाक के सूखी रेत। और क्या है कि कहाँ गए पनघट और गोरी जिसके पिया परदेश, कहाँ गए पनघट और गोरी जिसके पिया परदेश, अब तो कबूतर भी नहीं दिखते भेजे क्या संदेश, हाय भेजे क्या संदेश। एक पंक्ति है कि हमेशा कहानियों में कथाओं में गांव को एक रुमानी दुनिया बना के दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, समय बदला है तो गांव भी बदले हैं। कैसे बदले हैं कि खौल रहा है नदी का पानी डालू कैसे पांव, आज जो वैमनस्य है, जो राजनीतिक संघर्ष है, विचारधाराओं का संघर्ष है, आर्थिक संघर्ष है, हर व्यक्ति के अपने अपने सामाजिक वर्चस्व की लड़ाइयां हैं, उन सब में कैसे मिट्टी पिस के किस तरह से कपूर होकर उड़ी जा रही है, किस तरह से गांव बदल रहा है, कि खौल रहा है नदी का पानी डालू कैसे पांव, जाने किसने अरे आग लगा दी जलने लगा मेरा गांव, है रे जलने लगा मेरा गांव। दो पंक्तियां उन लोगों के लिए, अभी गुजरात के गुजराती भाषा के कई कवियों ने, कई बड़े कवियों ने, कई प्रतिभाशाली कवियों ने यहाँ कितना कुछ सुनाया, लेकिन मैं गुजराती भाषा नहीं के बराबर भी समझता हूँ, लेकिन मैं सुन रहा था और आनंद उठा रहा था। आखिर क्या कारण है कि एक हिंदुस्तान एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पा रहा है, एक दूसरे की बोली क्यों नहीं सुन पा रहा है? इस कान में पर्दा सुनने के लिए था, लेकिन इसको हमने फिल्टर बना लिया कि हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, ये हमारा है हमें सुनना है, ये हमारा है हमें सुनना है, हमने इसका गलत प्रयोग शुरू कर दिया, जबकि एक दूसरे की बोली सुननी चाहिए थी। तो वहां से निकलता है कि आप में से कितने लोग इतने प्रतिभाशाली हैं जिनको पूरी दुनिया को सुनना चाहिए था, लेकिन कई मीडियोकर्स ऐसे हैं जिनको बड़ा मंच मिल जाता है कम मेहनत में, तो उसे पूरी दुनिया सुनने के लिए अभिशप्त हो जाती है कि भाई सुनना ही है, बड़े मंच है और वहां अभिशप्त है पूरी दुनिया सुनने के लिए कि भाई अब बड़े मंच पर बड़े लोग हैं सुनो। वहां से मैं कहता हूं उन लोगों के लिए जिन्हें दुनिया सुन नहीं पाई प्रतिभाओं के बावजूद भी, कि जो गमलों में खिलते फूलते कहां कहां सज जाते हैं। बापू अगर एक गांव से चला लड़का यहां तक नहीं पहुंचता, अगर आपको आशीर्वाद नहीं मिलता तो ये लोग कभी सुन नहीं पाते हम लोग जैसे लोगों को। मुझसे ज्यादा अच्छा लिखने वाले गाने वाले गांव में बैठे हुए हैं, कहां उसे हम सुन पा रहे हैं, कि जो गमलों में खिलते फूलते कहां कहां सज जाते हैं, हम जंगल के फूल हैं बाबू खिले वहीं झड़ जाते हैं, खिले वहीं झड़ जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक जिजीवसा है, ये मिट्टी केवल धान नहीं देती है हमें, ये समाधान भी देती है, केवल धान नहीं देती है,
तो ये एक उम्मीद देती है, एक जज्बा देती है कि नहीं चलो लड़ो। मैं यूपीएससी की तैयारी करने जब अपने गांव से दिल्ली आया था तो हम लोग रेल चढ़ के नहीं आए थे, मैं रेल की पटरियां रौंदते हुए आए थे हम झोला उठा के। हम लोग झोला उठा के कहीं जाने वाले नहीं थे, आए थे तो वहां से कि आंधी और तूफान घटा से सबसे बिना डरे एक दिया जलता देहरी पर सारी रात लड़े है कि सारी रात लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप लोग चूंकि मंच पर हम लोग दो ही फंसे हुए हैं, जय बिरू, और कवि सम्मेलनों में एक ऐसा होता है एक एंकर एक सूत्रधार होते हैं, उनका काम होता है कि अगर नाग सांप भी कुछ बोले तो उसकी भी प्रशंसा में कहना कि इनका जहर तो अमृत है, अमृत पान करें, तो वो माहौल बना देते हैं। अब हम लोग खुद ही माहौल बनाए कि गाएं कि सुनाएं, तो आप लोगों पर व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आप लोग किए हुए हैं तो व्यक्तिगत आनंद की जिम्मेदारी है कि आप लोग खुद संभालेंगे। मैं और 10 मिनट आपके बीच में हूं, एक दो गीत और मैं सुनाऊंगा। एक गीत सुनाता हूं, मैंने पिछली बार भी सुनाया था लेकिन एक नया गीत सुनाता हूं बापू। एक हम लोग कथा के पंडाल में है, राम कथा के पंडाल में है। देखिए कथा के लिए सबसे जरूरी होता है सरल होना, सारी जटिलता यहां पर नदी में बहा के उसके बाद अंदर आइए, क्योंकि जरा भी गांठ रह गई तो फिर कथा प्रवेश कर ही नहीं पाएगी, वो भाव प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे जरूरी है सरल होना। इस पंडाल के अंदर आने का मतलब ही है कि गांठें खोल दी, जो उलझा था सुलझा के रख दिया, तब सरल होके अंदर आया। तो वो सरलता सबसे ज्यादा जीवन में बचपन को मिलती है। हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन वो बचपन वाली सरलता ढूंढ लाना मुश्किल है। वहां से एक कविता अपने उस बचपन को याद करके, आप सबकी बचपन को याद करके, कि कहां गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था वही मेरा सोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था वो दिन कि जहां मन जाते थे जो मन खाते थे गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे, कि जहां मन जाते थे जो मन खाते थे अरे गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे, कि दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे, कहां गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। एक बार मुझे आदेशित कीजिए क्योंकि मैं नर्वस ना हो जाऊं आपकी चुप्पी से मुझे। हाँ हाँ तो क्या था बचपन कि माटी हम खाते थे अरे धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे, कि माटी हम खाते थे धूल में नहाते थे और सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे, अरे हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, कि दिन वो सलोना रे। और क्या था कि माटी हम कि आसमां पे आंखें थी हाथ में सितारा था चांद मेरा मामा था सूरज भी हमारा था। कितनी बड़े रिश्तेदारी की श्रृंखलाएं थी,
और जैसे जैसे बड़े हो गए तो भाई छूटने लगते हैं, चाचा छूटने लगते हैं, और जब बचपन था उसकी रिश्तेदारी की श्रृंखला देखिए, उसका ब्रह्मांडीय समीकरण देखिए उसके रिश्तेदारी का, कि आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था, अरे कौन नहीं चाहता था, हाय मेरा होना रे। बहुत 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 धन्यवाद। अरे कौन नहीं चाहता था, हाय मेरा होना रे, कहाँ गया हाय मेरा, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था, देखिए बचपन का विरोधाभास, कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। ये है कंट्राडिक्शन बचपने का, ये है सहजता, ये गांठों का खुलना, कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे, कि एक जरा सी डांट पर, एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे, अरे कहाँ गया हाय मेरा, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे, कहाँ गया हाय मेरा, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। बहुत 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 बहुत। एक गीत और सुनाता हूँ, एक छोटा सा गीत और एक गीत मैंने पिछली बार गोरखपुर में बापू के सामने सुनाया था, वो गीत कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारी पीढ़ियों पर जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है बचाने की चीज़ों को, कमाने की तो हर पीढ़ियों पर जिम्मेदारी थी, ऐसी कोई पीढ़ी नहीं थी जिस पर ये जिम्मेदारी नहीं थी कि कमाना, लेकिन अब वक्त बदला है, अब एक और जिम्मेदारी हमारी पीढ़ी पर है कि बचाना, क्योंकि कल कमाने के लिए भी कुछ नहीं रह जाएगा, ये जो केक कटा है अभी जो बट रहा है, कल ये केक ही नहीं रहेगा, तो ये जो पीढ़ी है इसकी जिम्मेदारी कितनी ज्यादा है, वहां से इस पीढ़ी की तरफ से, इस पीढ़ी के हवाले से अपनी ही पीढ़ी को, कि थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो, अरे धान गेहूं सरसों वाले पीले हरे खेत रख लो। कितना आप अभी रिलायंस फ्रेश से खा रहे हैं ऑर्गेनिक, आपके खेत का मूली उनकी गली जाता है, फिर नहा धोवा के टैग लगा के आता है, ऑर्गेनिक हो जाता है, वो आपके ही पिछवाड़े वाले खेत से निकल के जाता है, इसलिए कहते हैं कि यही फैसला कर लो, यही रोक लो, कि थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो, अरे धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो, रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, अगर आपके मर्सिडीज वाले गैरेज के बगल में खूंटा रहेगा तो बहुत बदसूरत नहीं लगेगा, आप किसी भी इंटीरियर डिजाइन से पूछिएगा, डिजाइनर से, वो तो आजकल ड्राइंग रूम, जो करोड़ों के घरों का जो ड्राइंग रूम है उसमें भी लालटेन टांग रहा है, वो झाड़ू टांग रहा है, वो किसी भी बड़े इंटीरियर डिजाइनर से पूछिएगा, तो इसीलिए कि थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो, धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो, रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, और दुअर एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के, कि पूछेगा जो कोई तो, कि पूछेगा पूछेगा जो कोई तो,
उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। और क्या बचाना, कि स्कूल के पीछे वाला अमरुद का पेड़ रख लो, पोखर के पीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे, अरे भौरे और तितली जहां खेले मिले जुल रे, अरे भौरे और तितली जहां खेले मिले जुल रे। और क्या रखना, कि दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना, वो पीढ़ी जो हैरी पॉटर को शहद और नींबू की तरह घोल के पी गई है, उस पीढ़ी को कह रहा हूं कि दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, कि रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे। कि रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। और क्या बचाना, कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछौना, लोटा और पानी रखना, अरे रखना वहीं एक लालटेन, लालटेन में तेल रे, जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे, जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे। और आप गुजरात वाले हैं, देखिए आप लोग तो स्ट्रीट फूड के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, तो आप लोग के लिए कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, और चाट और पकौड़े वाले एक दो तो ठेला रखना, अरे याद रखना झाल मुढ़ी में मर्चा तूफानी रे। कि याद रखना झाल मुढ़ी में मर्चा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे, गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। कि पूछेगा जो कोई तो, अरे उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। और क्या बचाना, कि होली के रंग बचा लो दिवाली के दीप रे, और भोर की अजाने रखना छठ वाले गीत रे, अरे भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे। कि पूछेगा जो कोई तो, अरे उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे ये दुनिया ऐसी हुआ करती थी, हुआ करती थी, हुआ करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। चांद चांद वाला एक हवा आप, हाँ मैंने हालांकि 8 बजे खत्म कर दिया था, 8:01 हो रहा है पक्का नहीं दिखा। एक बापू का आदेश से एक गीत आपको सुनाता हूं, कि देखिए जो जब जल प्लावन के बाद पहली बार पृथ्वी जो जमीन निकली होगी, तो आप सोचिए कि जो पहला बीज अंकुरित हुआ होगा, जब पहला फावड़ा इस जमीन पर पड़ा होगा किसी मेहनतकश मजदूर के हाथों, जिसकी हाथों के लकीरों में कुछ नहीं था, एक बंजर जमीन थी, और उस पर एक पहला बीज जब फूटा होगा उसके फावड़े से, तो दृश्य क्या रहा होगा, वो दृश्य आप देखिएगा।
बच्चों के जन्म पर हमारे यहाँ सोहर गाया जाता है, आपके यहाँ भी गाया जाता होगा विभिन्न प्रांतों में भी, बच्चों के जन्म पर, बच्चों बच्चियों के जन्मों पर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड में सोहर कहते हैं उसको। अब देखिए कि वो जो फावड़ा लगा है और उस जो पहला बीज जो फूटा है तो वो किसान क्या कह रहा है, वो मेहनत कश मजदूर क्या कह रहा है। अरे धरती, अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ, अरे धरती, अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ, अरे नर्तक प्रिय मयूरो आओ, अरे नर्तक प्रिय मयूरो आओ, अरे पंख खोल कर चवर डोलाओ, अरे धरती, अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ। और क्या कहता है कि चांद के कान छेद कर उसमें, अरे पहना दो गेहूं की बाली। देखिए कि चांद के कान छेद कर उसमें, अरे पहना दो गेहूं की बाली, अरे सप्तऋषि से कहो कि लेकर खड़े रहे अक्षत की थाली। कि सप्तऋषि से कहो कि लेकर अरे खड़े रहे अक्षत की थाली। अरे कटते झड़ते जंगल में जी, अरे कटते झड़ते जंगल में जी, टिके हुए गुलमोहर गाओ, अरे धरती, अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ। और देखिए सांप, एक धामन सांप होता है, एक बहुत लंबा सा सांप होता है, उसमें जहर नहीं होता है, एक मान्यता है कि वो गाय का दूध पी लेती है, धामन घोड़ पछाड़ भी कई जगह कहते हैं जिसे। अब सांप का इस्तेमाल हमेशा नकारात्मक तौर में किया जाता है, लेकिन एक कोशिश मैंने की है कि उसकी जो वृत्ति है उसको दिखा के, हालांकि उसको तो जो है कि लोकतंत्र में उसको दिया गया इतना अधिकार कि किसी भी गाय को लपेट के दूध पी ले वो, और उसको हमारी व्यवस्था ने इतनी लंबाई भी दे दी है हाँ ये दे दिया गया है उसे, तो वो खैर उसका भाग्य उसे मिला है। लेकिन आप देखिए कि वो अगर थन, गाय के थन पर कब्जा कर ले, अगर चारों पैर बांध ले, तो उसके बाद उसकी जान जाएगी, लेकिन बिना दूध पिए धामन उतरेगा नहीं। तो हम कहते हैं जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं जंगल की, पर्यावरण की, प्रकृति की लड़ाई, उसे उस धामन सांप से सीखना चाहिए, वो जिद उस धामन सांप से सीखना चाहिए कि अमर बेल जंगल को बांधो जैसे धामिन बांधे है थन, कि अमर बेल जंगल को बांधो जैसे धामिन बांधे है थन, अरे जैसे कस्तूरी के पीछे बंध जाता हिरन का जीमन, अरे मकई के दानो, अरे अरहर के दानो, अरे झुनर झुनर झुन झुनर झुनर झुन 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 कजरी गाओ, अरे झुनर झुनर झुन झुनर झुनर झुन 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 कजरी गाओ, अरे धरती, अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ, अरे सोहर गाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुगंध आ रही है भैया।